नमस्कार वीके बी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंदिशें जारी, नए नियमों के कारण नागपुर खासदार महोत्सव के कार्यक्रम रद्द। हलबा समाज पर अत्याचार के खिलाफ अनशन जारी, जाति वैधता प्रमाण पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। और नागपुर में देश के सबसे बड़े डबल डेकर मेट्रो गर्डर का लॉन्चिंग शुरू, डॉक्टर बिजय दीक्षित ने कहा कि चुनौतीपूर्ण कार्य में सतर्कता बरतें। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में हो रहे बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। जी हां, राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा क्रिसमस पर और नववर्ष के आयोजन समय सभी समारोह में लोगों की उपस्थिति पर नए सिरे से शर्तें लगाई गई है। ज्ञात हो कि इन दिनों कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश के साथ शहर पर मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घूमने फिरने पर बंदिशें लागू कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है। विवाह समारोह के लिए बंद हॉल में लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और खुले स्थान में यह संख्या 250 से अधिक या क्षमता का 25% जो भी कम हो और इससे अधिक न हो। अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों के लिए भी लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और खुले स्थान में यह संख्या 250 तक रखी गई है। सभी नियम व प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से शुक्रवार रात से ही लागू हो गए हैं। बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यह नया वेरिएंट अब तक 110 देशों में पैर पसार चुका है। भारत में भी इससे जुड़े मरीज पाए जा रहे हैं। वही नए नियमों के कारण नागपुर में जारी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है, जबकि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी साफ संकेत दिए हैं कि नागपुर शहर में शनिवार से सख्ती बढ़ती जाएगी, जबकि नागरिकों से पुलिस आयुक्त ने कड़े नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। नागरिकों से भी वीकेबी न्यूज की अपील है कि वो राज्य सरकार ने जो नई बंदिशें लगाई है उसका अनुपालन करें। नागपुर के लालगंज परिसर में हलबा यादगार मोर्चा द्वारा पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस हड़ताल का मुख्य कारण हलबा समाज के युवाओं पर जाति की वैलिडिटी और 1950 से पहले पूर्वजों का प्रमाण पत्र की मांग बनी हुई है। ज्ञात हो कि शेड्यूल ट्राइब में समाविष्ट करने के बाद हलबा समाज के अधिकांश लोगों की जाति वैधता सवालों के घेरे में है, जिसके कारण राज्य सरकार ने कास्ट वैलिडिटी की मांग सरकारी कर्मचारियों से की है, जबकि इसमें 1950 से पहले के प्रमाण पत्र हलबा समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इसी बात के कारण कई लोगों की सरकारी नौकरियां जा चुकी है, जबकि जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसी मांग के विरोध में हलबा यादगार मोर्चा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कि हमारा हलबा यादगार का जो महामोर्चा 22 तारीख को मुंबई पर हम लेकर गए थे हजारों की संख्या में, इसकी अभी तक कोई भी दखल इस केंद्र और राज्य सरकार ने नहीं ली है। वैसे ही यह लालगंज झाड़े चौक पर पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन को शुरुआत की गई है। इस अनशन में माननीय रविभाव पवनीकर, माननीय मेरे छोटे बंधु रवि जी पराते, वैसे ही पंकेश जी निमजे, दुर्गेश जी पारखेड़कर, मिथुन जी निमजे, यह सब अनिश्चितकालीन अनशन पर पिछले 5 दिनों से बैठे हुए है। इसकी भी दखल इस केंद्र और राज्य सरकार ने अभी तक ली नहीं है। हमारे हलबा जमात के जो युवा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको जाति का दाखला और वैधता प्रमाण पत्र, इसके लिए हमें 1950 के पहले के कागज मांगे जा रहे हैं, यह योग्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि 1976 में क्षेत्र बंधन का कायदा बना हुआ है, उस क्षेत्र बंधन का जो कायदा बना है 1976 के बाद के ही कागज पत्र मंगकर हमारे पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को जाति का दाखला और वैधता प्रमाण पत्र देना चाहिए। वैसे ही हमारे राज्य कर्मचारी को जो 11 महीने के अधिसंख्य वर्ग पर स्थापित किया गया है उनको उनके पूर्व पदों पे लेना चाहिए, और केंद्रीय कर्मचारी को उनका जो रिटायरमेंट का पैसा है वो जल्द से जल्द देना चाहिए।
मैं इस केंद्र सरकार को, इस राज्य सरकार को। महामेट्रो के गड्डी गोदाम स्थित निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े डबल डेकर के निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग का कार्य शुरू किया गया। शुक्रवार को महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य को सावधानी और सतर्कता पूर्वक करने का सुझाव दिया। गड्डी गोदाम मेट्रो स्टेशन के समीप डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा है। गर्डर लॉन्चिंग स्थल के समीप ही भारतीय रेल के दिल्ली मार्ग पर ब्रिज होने से ट्रेनों का आवागमन निरंतर जारी है। बेहद संकरी जगह पर किए जा रहे कार्य और भारी भरकम गर्डर की काफी ऊंचाई पर की जा रही है। 500 टन और 300 टन वजन क्षमता की क्रेन गर्डर लॉन्चिंग के लिए लगाई गई है। 200 अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर और श्रमिक काम में जुटे हुए हैं। निरीक्षण के दौरान प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीक्षित ने बड़ी बारीकी से गर्डर लॉन्चिंग का अवलोकन किया। एक गर्डर का वजन करीब 9 टन के करीब है। गर्डर लॉन्चिंग का काम 24 घंटे जारी है। क्षेत्र के नागरिकों और कार्यस्थल पर मौजूद कर्मियों को सतर्क करने के लिए बाकायदा माइक पर उद्घोषणा कर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। जमीनी स्तर से 24 मीटर ऊंचाई पर काम किया जा रहा है। गड्डी गोदाम चौक से कार्यस्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी और हल्के वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई। बुटीबोरी MIDC में स्टील ब्रिज गर्डर निर्माण किया गया है और अब इसे ट्रेलरों की मदद से बुटीबोरी से गड्डी गोदाम तक सड़क मार्ग से लाया जा रहा है। देश में पहली बार इस स्थान पर एक अलग संरचना के साथ 4-स्तरीय संरचना का निर्माण किया जा रहा है। बहुत व्यस्त और मुख्य रूप से व्यस्त रेलवे लाइन गड्डी गोदाम में RUB में निर्माण कार्य किया जा रहा है। गड्डी गोदाम क्रॉसिंग की संरचना में 4-स्तरीय परिवहन प्रणाली है। पहले स्तर पर यातायात के लिए एक भूमि मार्ग मौजूदा RUB मार्ग होगा। दूसरे स्तर पर एक रेलवे ट्रैक होगा। तीसरे और चौथे स्तर पर एक फ्लाईओवर और एक मेट्रो लाइन होगी। महामेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स को प्रोत्साहित करते हुए लगातार मेगाफोन की मदद से गाइडलाइंस मुहैया करा रही है। भारतीय रेलवे का संचालन करते समय उचित एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। महामेट्रो द्वारा जमीन से 24 मीटर की ऊंचाई पर चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा किया जा रहा है। तमाम कोशिश और समझाइश के बाद भी काम पर नहीं लौटने वाले हड़ताल करने वाले ST के 16 नियमित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ST महामंडल नागपुर के इतिहास में यह पहला मौका है जब नियमित कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई हो। बिना शर्त काम पर लौटने का प्रस्ताव देने के बाद भी काम पर नहीं लौटने वाले ST कर्मचारियों के खिलाफ महामंडल कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में 16 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर महामंडल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जांच के बाद 2 दिनों के अंदर महामंडल ने 18 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन कार्रवाई 16 पर हुई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अंबाजरी पुलिस ने तेलंगड़ी स्थित एक घर में चल रहे हुक्का पार्लर पर छापा मारा है। पुलिस ने हुक्का चलाने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को तेलंगड़ी बौद्ध विहार के पास स्थित एक मकान में हुक्का पार्लर चलाए जाने का पता चला। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला, टैब पुलिस ने वहां दबिश देकर घर में प्रवेश किया। पुलिस को हॉल में 3 युवक हुक्के का सेवन करते हुए मिले। इनमें राघव गिरिधर मंत्री, सीमेंट रोड शिवाजी नगर, प्रणय अजय शेलोटे चंद्रनगर तथा जतिन विनोद सोनटक के सोमवारी क्वार्टर थे। उन्होंने पूछताछ करने पर विक्रम प्रदीप शिंदे रामनगर द्वारा
हुक्का सामग्री उपलब्ध कराए जाने का बताया। इसके आधार पर विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहां से 15,000 रुपए कीमत का हुक्के का सामान बरामद किया गया। अंबाजरी तथा सीताबड़ी थाना परिसर में कई स्थानों पर हुक्के पार्लर चल रहे हैं। मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र परिसर में आने वाले नाइक तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है, जहां आम आदमी पार्टी के पिछले दिनों प्रदर्शन के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने भी प्रदर्शन कर नागपुर महानगर पालिका और विधायक विकास कुंभारे पर निशाना साधा है। मध्य नागपुर के सौंदर्यीकरण की मांग काफी पुरानी है, जिसका कार्य नहीं शुरू हो सका। इस कारण नाइक तालाब परिसर में गंदगी का आलम नजर आ रहा है। अब तो नाइक तालाब में जानवरों की मौत से पानी अधिक दूषित हो रहा है, जबकि आसपास के परिसर के लोगों को रोजाना काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन हमने देखे थे, अब महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना का प्रदर्शन देखा जा रहा है। मन से विद्यार्थी सेना द्वारा नाइक तालाब के हालात के लिए मनपा और विधायक विकास कुंभारे को जिम्मेदार ठहराया है। पहिली गोष्ट तर हे नगर सेवक आणि आमदार लोकांचं काम आहे की त्यांनी इथे येऊन याची आर्थिक समस्या बघायला पाहिजे। आधी यांचं सौंदर्यीकरण खूप होतं, पण आता लोकांना एवढ्या समस्या झालेल्या आहे की इथे जानवरसुद्धा मरतायत, तर लोकांनी कसे राहायचे, त्यांच्या पोरांना त्यांना किती त्रास होतो आहे हे त्यांना कळायला पाहिजे की काय करायला पाहिजे लोकांसाठी, आणि त्यांची आर्थिक समस्या ऐकून त्यांच्या समस्यांचं निवारण करायला पाहिजे, पण ते काहीच करत नाही आहे। फक्त आपले घरं भरत आहेत आणि नगरसेवकसुद्धा इथे येऊन बघत नाही, त्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये एवढा द्वेष आहे की त्यांनी काय करायला पाहिजे काय नाही करायला त्यांना स्वतःच कळत नाही आहे। त्यामुळे आता ह्या सौंदर्यीकरणासाठी आम्ही जे आंदोलनासाठी करतो आहे ते त्यांनी सहभाग करायला पाहिजे आम्हाला, आणि इथल्या लोकांना काहीतरी समस्या दूर करायला हवं, ते प्रशासनने त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। नागपूर के जरीपटका पोलीस स्टेशन द्वारा शुक्रवार को मेडिकल हेल्थ चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप का आयोजन आम नागरिकों के अलावा पुलिस कर्मचारियों के लिए भी किया गया था, जिसमें उद्देश्य सिर्फ इतना था कि स्वास्थ्य के प्रति हर कोई सतर्क हो। ज्ञात हो कि पुलिस विभाग का कार्य हमेशा भागदौड़ भरा होता है, जिसे देखते हुए खासकर इस कैंप को जरीपटका पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर पुलिस से लेकर आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। आज 24 दिसंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस मुहिम के अंतर्गत हमने जरीपटका पुलिस स्टेशन में एक मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर सिविलियंस और पुलिस वाले दोनों पुलिस कर्मचारी दोनों का मेडिकल चेकअप और जो इच्छुक हैं उन लोगों ने ब्लड डोनेशन भी किया है। इसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमको मिला है और अराउंड 50 लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है। अपने व्यस्त दिनचर्या की वजह से काफ़ी बार पुलिस वाले जो है अपना मेडिकल चेकअप वगैरह समय पर नहीं करवा पाते हैं, तो उनको भी हमने अपना मेडिकल चेकअप करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है फैसिलिटी। अभी तक काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगे भी इस तरह के कैंप हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। आज यहाँ नागपुर शहर पुलिस एवं जरीपटका पुलिस स्टेशन इनके संयुक्त विद्यमान में एक सफल रक्तदान शिविर का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव इस निमित्त में हुआ है, और अभी चंद 2 घंटे ही हुए हैं और अभी तक लगभग 35 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव निमित्त 75 वर्ष हो चुके हैं और उस 75 वर्ष के 75 रक्तदाता आज यहाँ पर अपना रक्तदान करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर मैडम भी यहाँ पर अभी रक्तदान कर रहे हैं। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।